बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कल हमने पढ़ा था साइंस को, किसको? साइंस को। ठीक है, साइंस मंगपुरंदा खबर कड़वा ची साइंस सत वेले की, साइंस सत वेले की। साइंस चकम दे दी ऑरिजन शीशे दे, ऑरिजन वेले की इब्तिदा था, सत वेले की इब्तिदा था। ठीक शो आगाज़ ची दे दी आगाज़ संग शवे दे, यदि आगाज़ द कम जेन शवे दे। ठीक शो दा खबर हम कड़वा, दा खबर हम कड़वा ची दे दी मतलब से दे मीनिंग इसी शे दे। ठीक दा दा खबर हम कड़वा ची दे दी डिफिनीशन शीशे दे। ठीक दा और दा खबर हम कड़वा ची दे दी टाइप्स चिकम दी डिविजन, डिविजन कम कम दी। ठीक दा नुजत अलग शांति समराइज को माँ पर मंग दा खबर कड़े हुआ ची साइंस चिकम दे, साइंस दा यो लेटन वर्ड्स दे, कम यो वर्ड्स दे लेटेंस। लेटेंस लातीनी को कहते हैं, किसको कहते हैं? लातीनी। ठीक है, और ये एक लैंग्वेज है, क्या है? लैंग्वेज। ठीक है, लेटन वर्ड्स सेंशिया से निकला है, किस से निकला है? सेंशिया या सेंशिया या सेंटिया, सेंशिया या सेंटिया। ठीक शो स्कायर होम होते हुए लिखेगी, सोते हुए लिखेगी स्कायर। ठीक शो चलिए मतलब शीशे दे नॉलेज या हो इलम या टू नो किसी चीज़ के बारे में जानना या अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ के बारे में समझना। ठीक है, ये इसकी मीनिंग है, क्या है? मीनिंग। तो साइंस चिकम दे दायो लेटन वर्ड्स सेंशिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज, इलम या टू नो किसी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, बेमंग से वेली चे साइंस मंग सर शीशे दामंग सर यो नॉलेज दे, उस नॉलेज चिकम दे दामंग सरा मुख्तलिफ किस्म दी शीशे दी मुख्तलिफ किस्म। ठीक है, साइंस मंग सरा कम यो नॉलेज दे, साइंस मंग सरा आगा नॉलेज दे चिदा हासिल शेवे भी मंग सरा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। शीशी पर जरिया बांधी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो कि एक फर्स्ट स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन फर्स्ट स्टेप है, क्या है? फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, मंगवाई ची ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करना, क्या करना? मुशाहिदा करना। हाइपोथेसिस इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक ख्याली स्टेटमेंट पेश करना। ठीक है, एंड लास्ट एक्सपेरिमेंटेशन और तजुर्बात करना, प्रैक्टिकली उसको करना। इसके बाद आपके पास जो नॉलेज आएगा दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। आइदा वैसे वे लिखेगी साइंस वे लिखेगी। ठीक है, मंग परुंदा खबर मंग ओकला साइंस चिकम दे यानी साइंस चिकम दे दा आगा नॉलेज दे चिदा बा ऑर्गेनाइज हुई सबवी ऑर्गेनाइज यो खास तरतीब सरबवी से सरबवी यो खास तरतीब सरा। ठीक है, एंड स्टेप को जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें ये स्टेप्स होंगे ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटेशन। दी स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, दी तस्वीर लिखी साइंटिफिक मेथड। ठीक है, यानी आप जो नॉलेज हासिल करोगे ये एक खास तरीके से हासिल करोगे, किस तरह? एक खास तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको देख ले। ठीक है, तसो क्लास तरा ले इसे तरा ले क्लास था। ठीक है, तस तुम्हारा पुरुंदा खबर हम कड़े वे इंसान सर सुमरा सेंसेस दी फाइव मेनली फाइव सेंसेस दी सुमरा दी ट्रेडिशनली चिकम मंग यादो सुमरा दी फाइव। ठीक है, आइज इससे हम क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, नोज इससे हम क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। ठीक है, एयर जिससे हम क्या करते हैं? हेयरिंग हम सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, टंग जिससे हम टेस्ट को क्या करते हैं? टेस्ट को टेस्ट करते हैं। ठीक है, कि किस तरह टेस्ट है। ठीक है, और स्किन है, बॉडी है, जिससे हम कोई भी शख्स आपको टच कर ले तो आपको पता चलता है। ठीक है, तो इससे प्रेशर भी टेम्परेचर भी आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ स्मूथ है कि एक चीज़ रफ है, ये आपको स्किन से ही पता चलता है। ठीक है, अब देखो आप क्लास में आ गए, किस में आ गई? क्लास में, एक रूम में आ गई। ठीक है, और रूम में आपको पता चला कि यहाँ पर क्या है? स्मेल है, क्या है? स्मेल, जो कि एक बेसिक एग्जाम्पल है, मैं कई दफ़ा आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है, पर रूम किसी शे दी रूम की चिकम दे स्मेल दे शीशे दे स्मेल। ठीक है, अब ये स्मेल किस चीज़ का है आप लोगों को पता नहीं है, तो ये स्मेल एक प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ? प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो अबूजर वाले अबूजर वेल पति कमरा किसी शे दे स्मेल दे बुई दे पकी शीशे दी पकी बुई दे पकी या पकी खुशबूदा। ठीक था, या पकी बुई दे सिंपल शीशे दे पकी बुई दे पकी। ठीक था, नो अबूजर वेल चे कमरा किसी शे दे स्मेल दे बेबसे मुहिब राले मुहिब वेल चे कमरा किसी शे दे स्मेल दे। ठीक था, बेपसी दाऊद राले और दाऊद होम वेल चे कमरा किसी शे दे स्मेल दे। ठीक है. जसे तासो यो राजाई او د قرنګي وای چې د کمره کې سمیل نه دي نو تاسو اولنې شی چې تاسو کمرې ترانه نه وتی تاسو ته پته څنګه ولګی چې د کمره کې سمیل دي وګونو په ذریعہ ته پته ولګی دا کده سترګو په ذریعہ ته پته ولګی دا کده باړې په ذریعہ ته پته ولګی سب ذریعہ باندې نوس په ذریعہ باندې سب ذریعہ باندې نوस په ذریعہ باندې ठीक है. तो आपने जब आप यहां पर आ गए तो पहले आपने ऑब्जर्व किया, क्या कर दिया? ऑब्जर्व किया. इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन. यार यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्मेल है तो ये एक ऑब्जर्वेशन है. क्या है? ऑब्जर्वेशन. आपने इन 5 सेंसेस में से एक सेंस को क्या कर दिया? यूज़ कर दिया. इसको क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन. अब देखो अबू जर ने कहा कि यार ये स्मेल परफ्यूम की हो सकती है. किस चीज़ की? परफ्यूम की. द स्मेल जैसे कि देशी द स्मेल द परफ्यूम की देशी दा खबर अच्छा वकड़ा दा अबू जर वकड़ा तो उस पता नशी दा शीशी दे खुद जान नहीं वेली दा से की देशी द परफ्यूम की देशी ठीक दा मुहिब वेली चिना दा की देशी चरता बल्ब स्वजी दे लेवी से चल शेवी बल्ब ठीक है. शॉर्ट सर्किट शेवी जगह चमक नेवी नेवी रोकती देखा उदल तो बचरता बिजली तार बस वजी दे लेगी दा दागी बुई दे चरता ठीक दा दाऊद वेली चिना चरता शिशे बकी मलशीवी दी से चल शेवे दे सबकी मलशीवी दी ठीक दा आगा सोहम की देशी माउस की देशी कुछ भी हो सकता है ठीक है. मंग वो चिदल तशीशे डेड बॉडी द शीशे दी डेड बॉडी द ठीक दा वस गोरा दा द्रे खबर है चे कला अबू जर वेल छे दा द परफ्यूम दा ठीक दा मोहिब वेल छे दा द चरता बिजली चे कम दे चे इलेक्ट्रिक सर्किट चे कम दे शॉर्ट शेवे दे और दाऊद वेल छे ना चरता डेड बॉडी द शीशे दी डेड बॉडी द. अब ये 3 बातें हैं आप लोगों ने कर दी. इसको कहते हैं हाइपोथेसिस. आपने इस स्मेल के बारे में अपना हाइपोथेसिस पेश किया. क्या पेश किया? एक नज़रिया पेश किया. ये एक नज़रिया है कि शायद ये इसका हो सकता है, शायद ये इसका हो सकता है, शायद ये खुशबू ये स्मेल जो है इसका हो सकता है ठीक है. तो अब ये क्या था? ये स्मेल जब आपने स्मेल किया तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन. और जो इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आपने जो बातें की है इसको स्टेटमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टेटमेंट. इसको हाइपोथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस. आपने एक ख्याली स्टेटमेंट पेश किया ठीक है. अब इन तीनों में से एक ज़रूर ठीक होगा. अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट. तो हमने 2-3 बंदों को क्या कर दिया? हायर कर दिया कि तराश दलता और तू गोरा छे कमरा के दा खुशबू द शीशी दा यम द शीशी रावस्तु यम द परफ्यूम मास्टर रावस्तु यम द डेड बॉडी मास्टर रावस्तु ठीक दा और यम द शीशी रावस्तु द इलेक्ट्रीशियन हम रावस्तु जे इलेक्ट्रीशियन रा लेना आगो कतल चे यादल द हो बल्ब लाश्ता देना ठीक दा नो तार बसंग संग बल्ब स्वजे दिले या खुदा बिजली दिल रागले ना दा ठीक दा तारू नो कर दा खुला फिलहाल शीशे दी दिल तला पूरा सेटिंग ने दे शेवे. तो हमें पता चला कि ये इसका नहीं था. परफ्यूम वाला राले अगो वेली चेहरा यो परफ्यूम चे कम दे चेहरा टोर नख परफ्यूम शी आगा पे योजे की पाती की 40 मिनट द पारा 15 मिनट द पारा 40 मिनट द पारा तासु दीजे नकल होती है मंग परुन होती. तो इसका मतलब है कि ये परफ्यूम का स्मेल नहीं है. तो ये किस चीज़ का है? यहाँ पर कोई डेड बॉडी है, ये इसका स्मेल है. अब देखो आपके पास एक इलम आया. क्या आया? इलम, नॉलेज आ गया. किस चीज़ के बारे में? स्मेल के बारे में कि इस कमरे में जो स्मेल था ये किस चीज़ का है, ये स्मेल किस चीज़ का है. तो आपको पता चला कि यहाँ पर कोई डेड बॉडी है. तो आपने यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई काम की है. इसको एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन ठीक है. अब आपको इस स्मेल के बारे में पता चल गया. आपके पास एक नॉलेज आया कि ये जो स्मेल यहाँ पर है ये किस चीज़ का है, ये डेड बॉडी का है. अब ये आ गया, इसने कहा अरे कहते कबाब उबी ने दे ठीक है. तो आप कहोगे कि वेदर से मैं 10 मिनट बस ठीक है. अब देखो उसने कहा कि कबाब की खुशबू है, कबाब ठीक है. जब आप खबर पूरी गई तो आप क्या कहोगे इसको कि नहीं यार हमने यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस हम करे दे खाला कम रावस्ती उमंग कतरे 10 मिल चिकम दे शीशी दे दा डेड बॉडी दे. तो आप लोगों के पास अब उसका इलम है. क्या है? इलम है. तो आपने इस स्मेल के बारे में जो इलम हासिल की है, जो नॉलेज हासिल की है, इसमें कुछ स्टेप इन्वॉल्व थे. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. ये तस्वीर लिखेगी साइंटिफिक मेथड एंड दैट नॉलेज इज कॉल्ड साइंस. और ये तस्वीर लिखेगी साइंस वे लिखेगी. नो आग नॉलेज चिकम मंग हासिल को थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ऑब्जर्वेशन उकू مشاهده وکړو، غور او فکر وکړو او د هغې نه پس موږ څه وکړو، د هغې نه پس موږ سره یو آنسر راشي. هغې نه پس موږ ایکسپریمنټیشن وکړو، څه وکړو، ایکسپریمنټ پریکټیکلي کار وکړو. د هغې نه پس چې کوم علم راځي، کوم علم موږ سره راشي، دیټ علم از کال هغې ته موږ څه وایو، ساینس وایو. څه ورته وایو، ساینس. تو د نالج ګین تھرو ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. आई तमंग सवायू साइंस वायू. ठीक द बिया ख्याल कवा बे मंग विल ची डिवीजन ऑफ साइंस. डिवीजन पगट असत वेले कीगी, ब्रांचेस पवड़ा सत वेले कीगी. ठीक द मंग विल ची डिवीजन सी छे दे, डिवीजन पगट असत वेले कीगी, बस वेले कीगी पगट असतानो. साइंस डिवाइड छवे दे पदवो की, पसो की पदवो की. यो ते वेले कीगी फिजिकल साइंस, यो ते वेले कीगी बायोलॉजिकल साइंस. पर फिजिकल साइंस की मंग स्टडी को द नॉन लिविंग थिंग्स पर बारा की. ठीक है, और पर बायोलॉजिकल साइंस की मंग स्टडी को द लिविंग थिंग्स पर बारा की. दा पर मंग ऑलरेडी वे ले दे. ठीक है, और चाहे तू वेल चेना दा गलत थे नो गलत नहीं दे, दार चाह खपल खपल मेथड दे इसको एक्सप्लेन करने का. ठीक है, क ब्रांचेस याद है नो ब्रांचेस की दाबे पदरेव की तकसीम शे पसो की पदरेव की. नंबर एक केमिस्ट्री, नंबर 1, नंबर 2 बायोलॉजी एंड नंबर 3 फिजिक्स. ब्रांचेस की पदी द्रेव के दे. ठीक था, और पर डिवीजन की पदवों के दोनों डिवीजन पगाट असता बांधी, पकम असता बांधी पगाट असता. ठीक है, तो इसमें डिवाइड हुआ है फिजिकल साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में. ठीक है, अब देखो ये जो फिजिकल साइंस है, क्या है फिजिकल साइंस, इसको हम कहते हैं कि ये फाउंडेशन है, इसको फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं. सबसे पहले की फंडामेंटल, फंडामेंटल वेले की बुनियादीता, सबसे पहले की बुनियादीता. ठीक शो द फाउंडेशन दे, शीशे दे फाउंडेशन यानी द बुनियाद दे. द साइंस नूर सुमरा ब्रांचेस दी द आगे, साइंस ची नूर सुमरा ब्रांचेस दी दागी शीशे दे बुनियाद दे. ठीक, ये हम पढ़ेंगे, तो आप बायो में भी पढ़ेंगे कि बायो, हम बायो पढ़ते हैं तो इसमें हम फिजिक्स को क्यों इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं फिर इसकी एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पर भी समझाऊंगा. ठीक है, कि ये किस तरह फाउंडेशन है और साइंस की ब्रांचेस के लिए. ठीक है, अब देखो तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज या 5 डिसिप्लिन्स. मेन 5 डिसिप्लिन्स की चक्कम जैसे करे दे फिजिकल साइंस फर्दर डिवाइड करें. नंबर 1 फिजिक्स जमंगपल सब्जेक्ट है. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है. फिजिक्स ये इसका सबसे फंडामेंटल है, क्या है फंडामेंटल, बुनियादी है, क्या है बुनियादी फिजिक्स. ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मेनली मैटर के बारे में. किस चीज़ के बारे में? मैटर के बारे में और एनर्जी के बारे में. किस चीज़ के बारे में? एनर्जी के बारे में. फर्स्ट लेक्चर में ये 2 चीज़ें आपको समझाई था. ठीक है, कि मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस, ये तमंग सवायु मैटर वायु. ठीक शो, और एनर्जी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, ये तमंग सवायु, ये तमंगा एनर्जी वायु. ठीक शो, इन 2 चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको फिजिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फिजिक्स. मंग में बेदा वायु च द फिजिक्स शुरुआत संघर्ष द फिजिक्स मीनिंग सी शेदे, दी ऑरिजिन द कम जैन आगे दे. ठीक शो, दी डिफिनीशन सी शेदे, और इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और इसके स्कोप क्या है. ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, दूसरा है केमिस्ट्री. क्या है? केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसकी कंपोजिशन के बारे में, बनावट, स्ट्रक्चर के बारे में, साख. ठीक है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इसमें जो रिएक्शन होते हैं उसके बारे में स्टडी करना, ये केमिस्ट्री है. क्या है? केमिस्ट्री. ये आपको सर अब्दुल हक पढ़ाएगा. कौन पढ़ाएगा? सर अब्दुल हक. ठीक है, फिर इसके बाद है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? स्पेस के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में. ठीक है, नंबर्स के बारे में, इक्वेशंस के बारे में. ठीक है, ये सारे किस में हम पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स में, और ये आपको सर मेहरान पढ़ाएगा. ठीक है, फिर जियालॉजी. जियालॉजी, जीव मीन अर्थ एंड लॉजी मीन स्टडी करना, जिसमें हम अर्थ के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? जियालॉजी. ये एक अलग फील्ड है. ठीक है, फिर ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम ये दोबारा पढ़ेंगे. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मेटेरियोलॉजी. शायद है मेटेरियोलॉजी. ठीक है, ये जहन में याद रख ले. ठीक है, मेटेरियोलॉजी की मंगा द वेदर पर बारा की स्टडी को सबारा की वेदर. ठीक है, वेदर पैटर्न्स बारान चिकम कीगी, संग कीगी, वली कीगी, वली ओशो इम्कान चिकी मंगो सबा इम्कान दे बारान उशी. ठीक ना, दे तस्वीरें लगेगी द मेटेरियोलॉजी, दे स्टडी तस्वीरें लगेगी मेटेरियोलॉजी. ठीक है, तो ये चीज़ें ये जहन में याद रख ले कि फिजिक्स में हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेस एंड ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है। जियोलॉजी में हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं और मेट्रियोलॉजी में हम वेदर के बारे में स्टडी करते हैं। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। ये भी आ सकता है कि फिजिकल साइंस को हमने कितने डिसिप्लिन्स में या कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो 5 कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? लिविंग थिंग्स। खरोस पी पिशोगान दे बारा किसे कवल? स्टडी कवल। दवोनो बूटो दे बारा किसे कवल? स्टडी कवल। ये बायोलॉजिकल साइंस है। तो बायोलॉजिकल साइंस में फिर मंगवायो जानदार चीजों ची कम दी ना डीर ज्यादती शीशे दी डीर ज्यादती, ठीक शो जानदार चीजों मंग सरा शीशे दा मंग सरा डीर ज्यादती न। बायोलॉजिकल फिजिक्स में फर्दर मंग डिवाइड को समूह को डिवाइड। नंबर 1 इसको कहते हैं बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। द वर्ड्स बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड्स। ये क्या है? बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। बायोस से निकला है। किससे निकला है? बायोस, ठीक है। नंबर 1 एंड लोगोस। किससे निकला है? लोगोस, ठीक है। बायोस मीन लाइफ, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी या थिंकिंग, ठीक है, या रीजनिंग। इसको क्या कहते हैं? रीजनिंग, ठीक है। तो आप इस तरह डिफाइन करोगे कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी, ठीक है। ये भी आपको सर अब्दुल हक पढ़ाएगा, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, बाद में, ठीक है। ये उसका अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें हम किन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं? लिविंग थिंग्स के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? साइंटिफिक स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। खरोस पी पिशोगान मुनी बूटी इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ये बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी, ठीक है। फिर है बॉटनी। क्या है? बॉटनी पॉस्चर्स से निकला है। पॉस्चर्स कहते हैं यानी बूटी, वनी बूटी, ठीक है। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? प्लांट्स के बारे में, ठीक है। उसको हम बॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉटनी, ठीक है। एंड लास्ट ज़ूलॉजी। क्या है? ज़ूलॉजी, ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी ज़ू मीन चिड़ियाघर, ठीक है। पेशावर ज़ू है और भी ज़ू है, उसमें जाए तो वहाँ पर क्या आपको मिलेंगे? खरस पी पिशोगान मेलुगान, ठीक है, ज़ेबरा और बदा चीज़ों ने बताते मिलावेगी दाम तो आप खबर रखोगे। तो उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना, इसको हम क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ूलॉजी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या? ये था हमारे पास साइंस। क्या था? साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है। तो अब आपसे कोई भी पूछ ले कि हम पढ़ते हैं कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, तो ये यहाँ से आया है। देखो ये इसका ब्रांच है और ये फिज़िक्स साइंस का ब्रांच है, ठीक है। साइंस फर्दर डिवाइड हुए फिजिकल में और फिजिकल पर यहाँ पर, तो इसीलिए इसको द ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसमें क्या पढ़ लिया हमने? पढ़ा साइंस को। किसको पढ़ा? साइंस। वो साइंस सत्य वे लेकी कि साइंस कम दे दामंग सर यो नॉलेज दे शीशे दे नॉलेज दे, ठीक सो कम नॉलेज दे आगा नॉलेज दे जो कम मंग हासिल करे थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, ठीक है। उस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड्स है, सेंशिया से डिराइव हुआ है और सेंशिया का मतलब है नॉलेज, किसी चीज़ के बारे में जानना। किस चीज़ के बारे में जानना? यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही है उनके बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना, अपने आप को क्या करना? अपने आप को समझना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम साइंस कहते हैं। फिर साइंस को फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, एक को कहते हैं फिजिकल साइंस और एक को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बेजान चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसको फर्दर डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 फिज़िक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 मैथमेटिक्स, नंबर 4 जियोलॉजी, नंबर 5 मेट्रियोलॉजी। सब मैथमेटिक्स पर जैबान जैसे खालक एस्ट्रोनॉमी में लिखी, एस्ट्रोनॉमी के मंग स्टडी करो द स्टार्स एंड गैलेक्सीज पर बारा की, ठीक शो। फिर बाद में फिर बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया है, कितना बायोलॉजिकल साइंस को फर्दर डिवाइड किया है, ठीक है। बायोलॉजी में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में एंड लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है। फिर बॉटनी में हम स्टडी करते हैं किन चीज़ों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। एंड ज़ूलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये था हमारे पास साइंस। क्या था? साइंस। ठीक है, इससे इसके बाद अगला लेक्चर होगा हमारा फिज़िक्स। क्या होगा? फिज़िक्स। तो उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन। पहले तो बुक का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कि हमारे पास जो बुक है ये 9th में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्लासिकल फिज़िक्स का है। किसका है? क्लासिकल फिज़िक्स वेले की आग फिज़िक्स था चिकम दिस 1800 ना मख के स्टडी की दो पदे के उमंग स्टडी के बोले घटो घटो बिग ऑब्जेक्ट के बारे में। किन चीज़ों के बारे में? लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, इसको क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल फिज़िक्स। ठीक है, ये 98 या 95% क्लासिकल फिज़िक्स है, जिसमें न्यूटन्स के लाज है, न्यूटन्स के प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है। तो हमारा जो बुक है ये क्लासिकल है। क्या है? क्लासिकल फिज़िक्स का हिस्सा है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 9। ये कल फिर यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, कंटेंट इंट्रोडक्शन टू द बुक में। ठीक है, कि इसमें हमारे पास कितने चैप्टर है? 9 चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे और मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, और मेजरमेंट की जितने भी इंस्ट्रूमेंट है कि किस तरह हम मेजरमेंट करते हैं उनके बारे में स्टडी करना। ये हमारे पास पहला चैप्टर होगा फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा फिर होगा कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है आया ये मोशन कर सकता है कि नहीं, तो काइनेमेटिक्स। ये दूसरा चैप्टर है इसका। क्या है? दूसरा। काइनेमेटिक्स मीन मोशन के बारे में स्टडी करना, लेकिन ये मोशन किस तरह है, ये मोशन क्यों है, इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। ये मोशन किस तरह है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 3 होगा हमारे पास डायनेमिक्स। क्या है? डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि ये मोशन क्यों है, किस वजह से है, उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट्स है घूमने वाला। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर ग्रेविटेशन है, यानी अर्थ ये जो चीज़ें नीचे की तरफ गिर रही है कैसे क्यों हो रही है ये। ठीक है, तो ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन है। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी है। चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है। एंड चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, कि हीट किस तरह एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये हम कल लिखेंगे भी, और ये भी फिर पढ़ेंगे कि ये फिज़िक्स ये आया कहाँ से है, इसका शुरुआत कैसे हुआ है। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सारे फिर हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ना हो तो फिर इसको लिख ले कॉपी में। ठीक है, एज इट इज़ जिस तरह मैंने लिखा है। ठीक है, इसी तरह लिख ले। कोई भी सवाल हो तो कॉपी के ऊपर लिखा करें, फिर कल जब मैं आऊँगा तो पूछ लिया करें। ठीक है, thank you very much for listening. The Banka.